आपके हिसाब से बतौर कोच रवि शास्त्री के कार्यकाल में वो क्या चीजें ठीक नहीं हुई जो आपके हिसाब से जब राहुल द्रविड़ अब कोच बने हैं आपको लगता है वो और बेहतर होंगी? क्योंकि मैं काफी कुछ सुनता हूँ आपको लगातार। देखिए मैं तो रवि शास्त्री के अंडर खेला नहीं तो मुझे पता नहीं कि क्या ऐसे बाहर से देखा होगा आपने। देखिए कई बार जो एक चीज थोड़ी मुझे सरप्राइजिंग लगी, जब आप अच्छा करते हो तो आप खुद अपने मुंह से नहीं बोलते, लोग बोलना, लोग अगर बोले तो उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। हम 2011 में वर्ल्ड कप जीते तो किसी ने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि ये दुनिया की छोड़िए इस देश की भी बेस्ट टीम। तो जब आप जीतते हैं लोग बोलने, लोगों को बोलने दीजिए ना। आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, बहुत बड़ी अचीवमेंट है नो डाउट, आप इंग्लैंड में इतना अच्छा करके आए नो डाउट, लेकिन साथ ही में जब लोग बोलेंगे, और आप ये राहुल द्रविड़ से कभी भी नहीं सुनेंगे, एक बैलेंस तरीके के इंसान है, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो खराब करे, उनकी जो स्टेटमेंट्स रहेंगी वो बहुत बैलेंस रहेंगी और साथ ही में ये बाकी खिलाड़ियों पर भी रिफ्लेक्ट होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमिलिटी। जब आप अच्छा करते हैं तो आप हम्बल रहना चाहते हैं, जब आप खराब करते हैं तब भी आप हम्बल रहना चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो आज है और कल नहीं रहने वाली, तो लेकिन आप इंसान अच्छे बनेंगे। और राहुल द्रविड़ का सबसे बड़ा मकसद यही रहेगा कि वो क्रिकेट में अच्छा खिलाड़ी करे ना करे, इंसान अच्छा बने।